सिलाई सेंटर खोला जाए, क्योंकि अधिकतर लेडी से क्या बेरोजगार रहती घर में। जैसे किसको धन्यवाद देंगे आप इसके लिए? मोदी जी को धन्यवाद देंगे और क्या, उसने बहनों को दिया है तो उसी को धन्यवाद देंगे और क्या, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब तो आज से सिलेंडर का भी बोल रहे हैं 400 रुपए का सिलेंडर लाडली बहनों को मिलेगा। नहीं मेरे को तो मिल रहा है। कार में अमित आयरन और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एक विषय को लेकर हम पिछले कुछ समय से लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है लाडली लक्ष्मी योजना। एक ऐसी योजना सरकार की जिसने महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक योजना लागू की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना, उस योजना का महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है और उस पैसे का कितना उपयोग कर पा रही हैं, इस विषय में हम बातचीत को जारी रखे हैं। और आपको बता दूं मैं कि भोपाल के इस इलाके में जहां हम जा रहे हैं, जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हम बहुत मध्यम वर्गीय स्तर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा उनके लाइफ में, उनके जीवन में कितना आवश्यक है। आपको बता दूं मैं कि इसी योजना के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बहुमत से बनाई गई है और इस योजना ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे देश में ला दिया है, पूरी देश की अन्य राज्यों की सरकारें इसको अमल में लाने के बारे में विचार कर रही हैं। तो हम इस योजना का जायज़ा लेने के लिए निकल पड़े हैं और हम बातचीत कर रहे हैं बहुत से लोगों से। आप देखिए और आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप इस योजना से और क्या उम्मीदें लगाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्या आपको लगता है इस योजना का लाभ महिलाओं को भरपूर रूप से मिल पा रहा है, क्या आपको लगता है ये योजना सरकारी तंत्र का कोई दुरुपयोग नहीं है, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हमें अपनी राय अपने कमेंट्स बॉक्स में देखिए ज़रूर बताइए, हम आपको लेके चलते हैं कुछ लोगों से और इस विषय के बातचीत के दायरे को आगे बढ़ाते हैं। आइए, ये 250 बढ़ा दिए, चाहते हैं कि और बढ़ाएंगे। जो उन्होंने बोला है 3000 का, 250 मिले तो वो भी बहुत है। तो हर वर्ष जो पैसे आपको मिलते जा रहे हैं, अभी तक उस पैसे का क्या यूज़ करा है? यूज़ ऐसा किया है, जैसे कि ना मेरी शॉप है तो मुझे इसमें ही यूज़ हो जाता है, कभी कुछ लाना फूल वगैरह हो गए हैं बस इसमें ही। कभी पर्सनली अपने लिए कुछ खरीदा हो जो आपको शायद लगा हो कि बहुत टाइम से मैं ले नहीं पा रही थी और आज शायद वो पैसे? नहीं नहीं, पर्सनल भी खरीदा है मैंने, ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये यूज में हो रहे हैं पैसे भी बहुत। ये रक्षाबंधन के जो 250 रुपये आज मिलने वाले हैं, इसका क्या करेंगे आप? इसका राखी के लिए कुछ खरीद, भाई के लिए कुछ लेंगे आप? आज सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का भी वो अनाउंस करने वाले हैं कि लाडली बहनों को 450 रुपये जो भी गवर्नमेंट ने बताया है, उनके से आज सिलेंडर का भी अनाउंस करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पूरी लाडली बहनों को सिलेंडर की योजना का भी लाभ मिले। बिल्कुल, मेरे अभी हमें तो नहीं मिलते हैं, मैं चाहती हूँ कि सबको। तो सिलाई के लिए है तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि हर एरिए में, छोटे एरिए में एक सिलाई सेंटर। अभी आपके हस्बैंड ने पैसे मांगे आपसे कि 8000 रुपये आए थे, 10 लाख नहीं अभी बच्चों ने भी नहीं। कोई चीज ऐसी जो आपने अपने बच्चों के लिए खरीदी हो जो बहुत टाइम से आपको लगा हो कि शायद मैं दिलाना चाह रही हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी है, उसको एक ड्राइंग तो वो मैंने खरीदी, तो उसको देखी छोटी वाली, तो बहुत खुश। किसको धन्यवाद देंगे आप इस योजना के लिए? पहले तो सबसे पहले हमारे मामा, इसके अलावा आपको लगता है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए, आप जैसे आप एक वर्किंग वुमेन है, सिलाई का काम करती हैं, तो कोई ऐसी योजना सरकार को लाना चाहिए कि कामकाजी महिलाओं को जो आगे जाके बहुत प्रोग्रेस दे सके? मैं वही मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर, क्योंकि अधिकतर जैसे जाएंगे अपन छोटे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे महिलाएं आप देखना कोई रोजगार नहीं है, तो मैं चाहती कि सेंटर है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको खोलना चाहिए, वो अपने पे डिपेंड होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, बस मेरा तो यही कहना है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इस पैसे से और आगे तरक्की करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। जैसा कि आपने देखा कि अपने सुना कि इस पैसे का यूज़ एक महिला के जीवन में बहुत कुछ मायने रखा रहा है,
छोटी सी रकम, छोटी सी उस रकम का छोटा है बड़ा होना नहीं, क्योंकि उस रकम का मिलना और उसकी खुशी एक बहुत बड़ा तोहफा है रक्षाबंधन पर सरकार की तरफ से। अपने जो यहाँ के बाशिंदे हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अमृत योजना कह सकते हैं हम उसे, कि महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रही है। कैमरामैन मोनू कुशवाहा के साथ में अमिता आरण, खबरदार न्यूज, और हम कुछ और भी महिलाओं के साथ ही बातचीत करेंगे। अपने राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि महिलाओं की बेहतरी के लिए हम और क्या आगे सरकार से उम्मीद रखते हैं और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।